Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों. हम लोग मनोविज्ञान टॉप 100 पढ़ रहे हैं, उसका अगला पार्ट आप लोगों के सामने पेश है दोस्तों. इस वीडियो में हम 25 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे. देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है. अभिक्रमित अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया दोस्तों. देखिए अभिक्रमायोजित में ही अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय भी कभी कभी लिख के पूछ देता है, तो वह किसने दिया है. स्कीनर ने दिया है दोस्तों. स्कीनर ने बताया है कि कोई बड़ा कार्य आपको करना है तो उसे अभिक्रमित मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांट के करिए. जैसे आप देखते होंगे कि एक बहुत ही कक्षा 10 की बायो की किताब है तो उसमें कई चैप्टर बने रहते हैं. अगर चाहता तो एक भी चैप्टर नहीं बनाता और पूरे कोर्स को ख़त्म कर देता, लेकिन किसी भी कार्य को जब छोटे छोटे कर्म में छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है तो उसको अधिगम करने में बहुत ही सरलता होती है. यही बताया है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्कीनर ने. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया. आपको पता होगा दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कड़ा पर बात की है. नैतिक तर्कड़ा, इसी को नैतिक दुविधा भी कहते हैं. अर्थात उचित और अनुचित के सही फैसले को ही हम नैतिकता कहते हैं. जो उचित और अनुचित में फर्क कर ले उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं. तो नैतिक तर्कड़ा से संबंधित नैतिक विकास जो है कोहलबर्ग ने दिया है. और कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के केवल और केवल बालकों पर क्या किया है, अपना प्रयोग किया है और 3 अवस्थाएं दी, जिसमें पहली अवस्था को पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व रूढ़वादी अवस्था कहते हैं और इसी को कभी कभी प्राक परंपरागत अवस्था भी लिख किया जाता है. दूसरा दोस्तों है पूर्व हटा दीजिए नैतिक अवस्था, या आप कह सकते हैं परंपरागत अवस्था, या आप कह सकते हैं रूढ़िवादी अवस्था, ये दूसरी अवस्था है. और जो तीसरी अवस्था है उसे हम उत्तर नैतिक अवस्था या उत्तर परंपरागत अवस्था कहते हैं दोस्तों. जो पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक अवस्था है उसकी उम्र सीमा 4 से 10 वर्ष है, और जो दूसरी अवस्था है उसकी 10 से 13 वर्ष है, और तीसरी अवस्था जो है वो 13 से 16 वर्ष की उम्र सीमा में है. और दोस्तों ये आगे अगर हम लोग चलते हैं तो जो पहली अवस्था इनकी है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था या प्राक नैतिक अवस्था, अर्थात कोहलबर्ग की पहली अवस्था में नैतिकता जो आती है वह बाह्य कारकों से आती है, दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा. दोस्तों देखिए कोहलबर्ग की पहली अवस्था जो है उसे आप पूर्व नैतिक अवस्था कहते हैं. तो पूर्व नैतिक अवस्था को इन्होंने 2 स्तर में बांटा, अर्थात आप कह सकते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा. एक को कहा अहम केंद्रितता और दूसरे को कहा दंड एवं आज्ञा पालन. यानी बालक जो होता है दोस्तों इस समय अहम केंद्रित होता है. 4 से 10 वर्ष का बालक जो होता है वह पूरी तरह से अहम केंद्रितता उसके अंदर होती है. अर्थात कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि वह बालक पूरी तरीके से क्या होता है, स्वार्थी होता है. वह कहता है कि सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए, अर्थात वह दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल नहीं समझता. आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे के अंदर नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है, अर्थात कोई भी नैतिकता बच्चे के अंदर नहीं होता है. वह दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल नहीं समझता. जैसे पापा जी जो है आइसक्रीम लेकर आए और बच्चा यहाँ पर स्वार्थी है क्योंकि यह पूर्ण नैतिक अवस्था का है 4 से 10 वर्ष में, तो बच्चा कह रहा है सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए, मैं अपने भाइयों को बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं दूंगा. तब पापा कहते हैं बेटा अगर नहीं दोगे तो तुम्हें मिलेगा दंड, तुमको हम खूब पीटेंगे. तब बेचारा दुविधा में आके आज्ञा पालन करता है अपने पापा का, अर्थात उसके अंदर तो नैतिकता का अभाव है लेकिन जबरदस्ती बाह्य कारकों से माता पिता के डर से दंड एवं आज्ञा पालन के कारण नैतिकता बाह्य कारकों से लाई जा सकती है. तो कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से लाई जा सकती है दोस्तों, लाई जा सकती है. अगला क्वेश्चन है क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत है. दोस्तों आपको पता होगा कि क्षेत्र सिद्धांत जो है कुर्ट लेविन ने दिया है. कुर्ट लेविन जो हैं वो सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत को 2 भागों में बांटा. एक को कहा संरचना और दूसरे को इन्होंने कहा गतिशीलता. दोस्तों देखिए गतिशीलता जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कुर्ट लेविन का निम्न में से क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है और आपके ऑप्शन में गतिशीलता ही केवल है. तो गतिशीलता क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है क्योंकि क्षेत्र सिद्धांत को 2 भागों में कुर्ट लेविन ने बांटा. एक को कहा संरचना और दूसरे को कहा गतिशीलता. इसके अलावा दोस्तों यह जो कुर्ट लेविन है इन्होंने कोहलर वर्दिमर और कोपका के साथ भी कुछ दिन काम किया था, इसीलिए कुर्ट लेविन के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत भी कहते हैं. और थ्री फेज थ्योरी के सिद्धांत के प्रतिपादक भी जो हैं उनका नाम भी है कुर्ट लेविन दोस्तों. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है व्यवहारिक क्षमताओं में अस्थायी परिवर्तन या
वांछनीय परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है दोस्तों। तो अधिगम की परिभाषा है कि व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम या सीखना कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए व्यवहार व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक जो हैं उनमें हैं टॉलमैन। टॉलमैन जो है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है बुडवर्थ दोस्तों, बुडवर्थ क्या है? व्यवहारवादी हैं दोस्तों। बंडूरा, बंडूरा क्या है? व्यवहारवादी हैं दोस्तों। थांडाइक, थांडाइक क्या है? थांडाइक भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। स्कीनर, स्कीनर भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों। पावलाव, पावलाव भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों। इस तरीके से बहुत से जो है सिद्धांतवादी यानी मनोवैज्ञानिक जो हैं व्यवहारवाद का समर्थन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्यवहारवाद का समर्थन वाटसन ने ही किया है सबसे पहले। तो दोस्तों वाटसन ने भी व्यवहारवाद का समर्थन किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है भाटिया बैटरी। दोस्तों भाटिया बैटरी का प्रयोग हम किस परीक्षण हेतु करते हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि भाटिया परीक्षण जो है भाटिया बैटरी संबंधित है वह बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। और दोस्तों भाटिया ने, चंद्रमोहन भाटिया ने बुद्धि परीक्षण को 5 पार्ट में डिवाइड किया है और 5ों पार्ट के लिए इन्होंने 95 अंक निर्धारित किए हैं तथा ऊपर के 3 पार्ट जो हैं यह दूसरे मनोवैज्ञानिकों से लिए हैं और जो 2 पार्ट नीचे के हैं उसे इन्होंने स्वयं बनाया है। इस प्रकार से यह टोटल 5 पार्ट बनाए हैं जो 95 अंक जिसके लिए क्या किए हैं, निर्धारित किए हैं। और भाटिया बैटरी जो है बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है। तो दोस्तों हमने आपको बता ही दिया कि बुद्धि जो होती है वो समस्या समाधान करने की क्षमता होती है और जो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता भी वही होता है कि सृजनात्मक बालक जो होता है अपसारी चिंतन करता है। और अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि एक चीज को कई तरीकों से सोच के समस्या का समाधान करना, अर्थात बुद्धि से भी समस्या समाधान और सृजनात्मकता से भी समस्या समाधान। तो इसका मतलब कि इन दोनों में संबंध जो है सहायक है, धनात्मक है। अब दोस्तों देखिए सृजनात्मक बालक जो होता है वह नए नए आविष्कार करता है, अर्थात इसके अंदर पाई जाती है नवीनता का गुण, या इसी को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पाई जाती है मौलिकता का गुण, या इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों इसके अंदर पाई जाती है वैज्ञानिकता का गुण, क्योंकि यह वैज्ञानिक की तरह 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 चीज़ों से सोचता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें पाई जाती है प्रवाह का गुण, यह हमेशा ऐसा सोचता रहता है फ्लो, और इसके अंदर ही पाई जाती है उत्पादकता का गुण। दोस्तों ये सब गुण इसके अंदर पाया जाता है, स्वतंत्रता का गुण। और कोई सृजनात्मक बालक जो होता है वह अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है और वह मंदबुद्धि भी हो सकता है, चालाक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है सृजनात्मक बालक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 अर्थात 90 से 110 होती है। दोस्तों देखिए बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो होता है इसके संप्रत्यय को, इसके सूत्र को प्रोफेसर टर्मन ने दिया है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रवक्ता थे। तो बुद्धि लब्धि बराबर इन्होंने बताया भैया मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे तो इससे आपकी बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। तथा बुद्धि लब्धि की सारणी जो होती है इस सारणी को भी प्रोफेसर टर्मन ने बताया और इन्होंने बताया कि बेटा 70 से कम अगर तुम्हारी बुद्धि लब्धि है तो तुम जड़ बुद्धि की हो और 140 से ऊपर तुम्हारी बुद्धि है तो तुम प्रतिभाशाली बालक हो, जबकि 90 से 109 या 110 के बीच में तुम हो तो समझ लो बेटा तुम सामान्य बुद्धि के हो, औसत बुद्धि के बालक हो। तो यहाँ पे 70 से आएंगे 80 तो 80 से 90 हो जाएगा और यहाँ पे 110 से आएंगे 120 और 120 से दोस्तों आएंगे 140। तो हम यहाँ पे बताएं कि 70 से नीचे जब बालक रहता है तो जड़ बुद्धि का रहता है और 140 से ऊपर रहता है तो यह प्रतिभाशाली होता है, लेकिन 120 से जब 140 के बीच में बालक होता है तो उस समय इसकी बुद्धि लब्धि प्रखर बुद्धि की होती है, जबकि 110 से 120 के बीच में रहता है तो इसके अंदर तीव्र बुद्धि दोस्तों होती है। कैसी बुद्धि होती है? तीव्र बुद्धि। और 70 से 80 के बीच में बच्चे के अंदर मंद बुद्धि होता है और 80 से 90 वाला जो बालक होता है उसके अंदर अल्प बुद्धि होता है, जबकि 90 से 110 जो होता है उसके अंदर सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि होती है। तो दोस्तों इस तरीके से बुद्धि लब्धि की सारणी जो है प्रोफेसर टर्मन ने जो है दिया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है कि बुद्धि सीखने की क्षमता है। अभी हमने दोस्तों बताया कि बुद्धि समस्या समाधान करने की क्षमता है, बुद्धि नई नई चीज़ें सीखने की क्षमता है, बुद्धि टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। तो बुद्धि की ये सब परिभाषाएँ हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। तो जो चेस हम लोग खेलते हैं और कार्ड जो खेलते हैं, ये चेस और कार्ड जो है बौद्धिक गेम है, इसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया। तो बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया दोस्तों? तो कैटल ने दिया। देखिए दोस्तों इसी को बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत भी कहते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बिने साइमन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिने साइमन अर्थात बिने परीक्षण के द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। सबसे पहले तो बिने साइमन परीक्षण किससे संबंधित है, तो बुद्धि से संबंधित है, और बुद्धि में भी विशिष्ट बुद्धि का मापन बिने साइमन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो बिने थे, बिने फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों इसी मानसिक आयु को ही हम आधार आयु के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर कोई बालक 10 वर्ष का है और वह कार्य जो है 12 वर्ष वाले बालक का भी कर दे रहा है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, जबकि वास्तविक आयु क्या होगी 10 वर्ष। आप कम भी हो सकता है भाई, 10 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष के बराबर जो है 8 वर्ष के बराबर बालक का काम कर पा रहा है तो इसका मानसिक आयु 8 वर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष वाले का कर रहा है तो 12 वर्ष हो जाएगा, और वास्तविक आयु आपको पता ही है कितना है 10 वर्ष है। तो बिने ने ही सर्वप्रथम मानसिक आयु संवर्तय या आधार आयु का प्रयोग किया, और बिने ने ही सबसे पहले साइमन बिने स्केल बनाया। दोस्तों साइमन बिने स्केल के द्वारा ही बच्चे का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। 3 से 14-15 वर्ष तक के बालकों का बुद्धि परीक्षण, विशिष्ट बुद्धि परीक्षण साइमन बिने स्केल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया जिसे हम निरंकुशवादी सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि अगर एक चीज़ पर राज कर रही है तो सभी जगह समान कार्य करेगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको इनसे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु या इसी को आधार आयु कहते हैं का संप्रत्यय किसने दिया, तो हमने अभी बताया कि इनका संप्रत्यय सर्वप्रथम बिने ने दिया। तो आपके ऑप्शन में मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने साइमन ने दिया, ऐसा आया है। दोस्तों अगला है तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो आप सभी को पता है तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क व दूसरा मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने खोली, तो विलियम बुंट ने सर्वप्रथम 1879 में जर्मनी के लिजपिंग शहर में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। इसके अलावा दोस्तों ये जो बुंट हैं यह संरचनावाद के जनक हैं। दोस्तों संरचनावाद के जनक विलियम बुंट तथा इनके शिष्य टिचनर थे। अब दोस्तों यहाँ पे संरचनावाद के साथ साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अंतर्दर्शन विधि के जनक भी विलियम बुंट ही हैं। अंतर्दर्शन विधि के जनक जो है विलियम बुंट है, इसी को आत्मकथा विधि भी कहते हैं। तथा 1879 में जर्मनी के लिस्पिंग शहर में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसी ने खोली, तो वो विलियम बुंट है। इसीलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम बुंट है। आपके यूपी टेट में यह पेपर में आया हुआ भी है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दोस्तों आगे चलते हैं तो सीखने के वक्र जो होते हैं, सीखने के कर्व जो होते हैं वो सीखने या अधिगम की गति या प्रगति को दर्शाते हैं। तो आपसे पूछता है सीखने के वक्र किसको दर्शाते हैं, तो सीखने की गति को दर्शाते हैं कि आप तेज सीख रहे हैं कि धीरे। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो दिया है उन्नतोदर वक्र, सबसे पहले हम बताते हैं नतोदर वक्र। दोस्तों नतोदर वक्र में देखिए नत आ रहा है, यानी इसमें जो है अधिगम शुरू में धीमा होगा लेकिन बाद में क्या होगा तेज होगा। अर्थात ऐसा वक्र जिसमें शुरू में अधिगम धीमा हो और बाद में अधिगम तेज हो उसे हम कहते हैं नतोदर वक्र। दोस्तों क्या कहते हैं नतोदर वक्र। और इसका जस्ट उल्टा उन्नतोदर वक्र जो होता है इसमें जो है शुरू में अधिगम जो होगा वो धीमा होगा और बाद में अधिगम क्या होगा दोस्तों, बाद में अधिगम जो होगा तेज होगा। दोस्तों तो देखिए प्रारंभ में अधिगम तेज और बाद में अधिगम जब मंद हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं दोस्तों शुरू में अधिगम जो होगा वो तेज होगा। यहाँ पे दोस्तों शुरू में अधिगम जो होगा वो तेज होगा और जो बाद में अधिगम होगा दोस्तों, बाद का अधिगम हो जाएगा धीमा, तो उसे आप कहेंगे उन्नतोदर वक्र। जो नतोदर वक्र का जस्ट क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा जो आपका पूर्व ज्ञान है उसके द्वारा व्यवहार में जो आप
परिवर्तन करते हैं उसी को सीखना कहते हैं। जैसे आप पहले से ही साइकिल चलाना जानते हैं दोस्तों, तो साइकिल चलाना आपका पूर्व ज्ञान है और इसी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के सहारे आप मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं, तो यही जो है आपका अधिगम हो गया, यही आपका सीखना हो गया, अर्थात अनुभव पूर्व ज्ञान द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन यहाँ का है, एविंग हास ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। दोस्तों एविंग हास जो है इन्होंने कहा कि बच्चे सबसे पहले जो है सीखते हैं तो उनको निरर्थक शब्द ही बताइए, वो निरर्थक शब्द सीखते सीखते बाद में वह सार्थक शब्दों को अपने आप स्वयं ही क्या करते हैं, सीख जाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण आगमन विधि के सोपान है। दोस्तों ये जहाँ पर एक बिंदु से शुरुआत होता है और अंत कई बिंदुओं पर होता है उसे हम कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के संस्थापक या जनक जो हैं अरस्तु हैं। दोस्तों तो आगमन विधि में शुरुआत हम एक बिंदु से करते हैं लेकिन अंत जो है हम कई बिंदुओं पर करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें हम ढेर सारा उदाहरण दिखाते हैं तो उदाहरण के बाद पहुंचते हैं हम नियम पे, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र फॉलो करता है किसको, आगमन को। वैसे सेम है निरीक्षण विश्लेषण, विश्लेषण मतलब किसी एक चीज़ को कई प्रकार से तोड़ के देखना। जैसे जेम्स वाट ने एक केतली पर केवल देखा था क्या, उस केतली के ढक्कन को भाप से थोड़ा थोड़ा उठते हुए देखा था और उसी को कई प्रकार से उसने सोचा, यानी सृजनात्मक सोच, वैज्ञानिक सोच। तो कई प्रकार से उसने सोचा और बना दिया क्या, भाप इंजन। अर्थात वह किस नियम का फॉलो किया, किस सूत्र का फॉलो किया, तो उदाहरण से नियम की ओर, या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या वर्गीकरण या नियमीकरण। आगमन विधि के क्या हैं दोस्तों, सोपान है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का पठार या आप कह सकते हैं कि अधिगम का पठार सीखने में आई बाधा को दर्शाता है, या आप कह सकते हैं कि अधिगम का जो पठार होता है। दोस्तों हमने आपको इस तरीके से बताया था कि अधिगम का पठार होता है, तो जो अधिगम का पठार यही सपाट लाइन है, यह अधिगम में आए हुए बाधा को क्या करता है, दर्शाता है। और जब भी अधिगम का पठार बनता है तो उस बालक की उन्नति जो होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसका कारण हो सकता है लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से अक्षम हो गए, थकान हो सकता है, डीमोटिवेशन हो सकता है, ऐसे ही ढेर सारे कारण हो सकते हैं अधिगम के पठार की। तो इसके निराकरण के लिए दोस्तों बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से पुनः प्राप्ति करना चाहिए, तब जाके आप जो है इस सीखने में आई बाधा को हटा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण मतलब ट्रांसफर या स्थानांतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। द्विपार्श्विक यानी बाईलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, जब मानव के एक हाथ का कौशल दूसरे हाथ में चला जाए बिना किसी विकार के। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप इस हाथ से लिखना जानते हैं और बाएं हाथ से लिखना नहीं जानते हैं
और यह हाथ आपका बिल्कुल ख़राब हो गया, तब आप मजबूरी में बाएं हाथ से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उसे अधिगम का एक पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन जब आप इस हाथ से लिखना जानते हैं और इस हाथ से भी लिखना जानते हैं, जबकि दोनों हाथ आपका सही है, तो उसी को कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण हम किसे कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय को अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को ही हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो सके तो उसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के परिभाषा आपके एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण दोस्तों कुल छः होते हैं। जब पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक हो, जब सहायक रहेगा तो वह होगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक या आप कह सकते हैं पॉजिटिव या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे, तो बाधा नामक अगर कोई भी शब्द आ जा रहा है तो वह होगा ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में बिल्कुल भी प्रयोग ना हो, तो उसे हम कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, और पहले परिस्थिति का ज्ञान दूसरे परिस्थिति में इनडायरेक्टली प्रयोग हो जाए, जबकि विषय अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्षैतिज स्थानांतरण। और बहुत ही निम्न स्तर का ज्ञान अगर है और बहुत उच्च स्तर पर काम कर गया, तो उसे हम दोस्तों ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, जैसे साइकिल सीखकर मोटरसाइकिल सीखना। इसके अलावा दोस्तों, अगर एक हाथ का कौशल दूसरे हाथ में चला जाता है तो उसे हम पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, और पार्श्विक स्थानांतरण में एक पार्श्विक स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण को हमने आपको यहाँ पे बता दिया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है डिसलेक्सिया जो है दोस्तों पठन विकार है। डिसलेक्सिया में बालक पढ़ नहीं पाता, यम को डब्लू पढ़ता है, 12 को 21 पढ़ता है, शाह को वाज पढ़ता है। दोस्तों, वाज पढ़ता है शाह को। तो इस तरीके से बालक जो है जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको होता है दोस्तों डिसलेक्सिया अधिगम विकार। दोस्तों, एक विकार का नाम होता है डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों डिसकैलकुलिया जो होता है यह अधिगम विकार, देखिए कैलकुलेटर लिखा है, यानी गणना संबंधित विकार या गणित संबंधित विकार को ही हम कैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसके अलावा एक दोस्तों आता है डिसग्राफिया। दोस्तों, डिसग्राफिया जो होता है, डिसग्राफिया ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ग्राफ का मतलब होता है लेखन विकार, अर्थात लेखन विकार से संबंधित है डिसग्राफिया। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक कौशल संबंधित विकार भी है। कौन? डिसग्राफिया शारीरिक कौशल संबंधित भी, शारीरिक कौशल संबंधित विकार जो है डिस्प्रैक्सिया जो है, इसे हम लोग अमूमन पैर से हम क्या करते हैं, चलते हैं, तो चलन विकार कहते हैं। चलन विकार के अलावा दोस्तों इस डिस्प्रैक्सिया को हम शारीरिक कौशल संबंधित विकार भी कहते हैं। शारीरिक कौशल दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है और एक जो होता है दोस्तों एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है जिसमें लिखना आता है, जिसमें शरीर का एक बहुत छोटा सा पार्ट काम करे। जैसे लिखना है सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरा है स्थूल गतिक कौशल जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे, जैसे दौड़ना, कूदना, जंप करना, ये सब जो है
स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा, जबकि लिखना जो आएगा सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा, और ये सारे के सारे गतिक कौशल जो हैं डिस्प्रैक्सिया के अंदर दोस्तों आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट गेने जो है अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित हैं। दोस्तों रॉबर्ट गेने ने किसी भी बालक को सीखने के 8 तरीके बताए हैं कि जो बालक इन 8 तरीकों से होकर जाएगा वही बालक अधिगम कर पाएगा, नहीं तो नहीं। अर्थात 8 श्रेणी क्रम जो है किसने दिया है श्रेणी क्रम सीखने के लिए, तो वह दिया है दोस्तों रॉबर्ट गेने ने। और रॉबर्ट गेने जो हैं यह 8 जो दिए हैं उसमें से इनके त्रिभुज में सबसे पहला और सबसे नीचे जो है उसका नाम है संकेत अधिगम, और जो 8वां है दोस्तों उसका नाम है समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 में पहला संकेत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सामान्य से विशेष, अर्थात कह सकते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर किस सिद्धांत में जाते हैं, तो दोस्तों नियम से उदाहरण और निगमन विधि में जाते हैं। देखिए दोस्तों नियम से उदाहरण आप ऐसे लिखेंगे, नियम से उदाहरण की अगर बात होगी तो देखिए नी है ना, नियम से, तो नी से हो जाएगा निगमन। तो निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बात होती है, जबकि उदाहरण से नियम की ओर अगर बात करेगा तो आगमन विधि होगा दोस्तों। तो आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे की। तो सबसे पहले हम पियाजे से आने वाले कुछ और क्वेश्चनों को आपको बता देते हैं। देखिए पियाजे का एक शब्द है स्कीमा, और इस शब्द से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्कीमा क्या है। तो दोस्तों बच्चों के भंडारण गृह को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा। जैसे मोबाइल में कोई भी चीज़ हम मेमोरी में स्टोर रखते हैं, वैसे बच्चे अपने दिमाग में जो भी चीज़ स्टोर रखते हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अर्थात बच्चे का संग्रहण या भंडारण गृह को ही हम स्कीमा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कीमा एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था या 4 चरण बताए हैं, इसी को बौद्धिक स्तर के 4 चरण भी कहा जाता है। और दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वह विद्यालय एवं कक्षा में होता है, दोस्तों इनके चारों चरणों का नाम है। पहले चरण का नाम है संवेदी पेशी अवस्था। दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार। और इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो होती है विशेषता, पहली विशेषता सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करता है दोस्तों। दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में अनुकरण करके सीखता है। तीसरी होती है दोस्तों इसके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है, किसी चीज़ को सीख लेता है तो उसको बार बार क्या करता रहता है, दोहराता रहता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, इसके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है दोस्तों। इसके अलावा यह मानसिक रूप से सोच सकता है, अर्थात मानसिक निरूपण का गुण भी होता है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था में। दूसरी अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष के बालक इसमें आते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विलोमीयता का अभाव, संरक्षण का अभाव, जीववाद तथा सबसे महत्वपूर्ण बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी नहीं समझता, अर्थात लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार, अर्थात दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी नहीं समझता है। तीसरी जो अवस्था है उसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष के बालकों के लिए इन्होंने जीन पियाजे ने बताया मूर्त संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा विलोमीयता का गुण सीख लेता है और संरक्षण का गुण सीख लेता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होता है दोस्तों इसमें तो बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत करता है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत प्रारंभ किस अवस्था से करता है, तो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से करता है। और दोस्तों चौथी अवस्था का नाम है औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 या 16 वर्ष के बीच होती है और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसका नैतिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है और नैतिक विकास के अलावा बच्चा पूरी तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण को समझने लगता है और तार्किकता में इसके पूर्णता आ जाती है दोस्तों। इस तरीके से जीन पियाजे में अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और आप ना कर पाएँ। दूसरा क्वेश्चन है 52 नंबर, विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन ने दिया है और दोस्तों यह मनोसामाजिक विकास जो है यह व्यक्तित्व से संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तित्व से संबंधित है और एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है दोस्तों। कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है जिसमें से पहली अवस्था जो है उसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। दोस्तों बनाम विश्वास बनाम अविश्वास जो है पहली अवस्था है तथा आठवीं अवस्था अर्थात कह सकते हैं अंतिम अवस्था जो है वो संपूर्णता बनाम निराशा है। निराशा है, संपूर्णता बनाम निराशा है दोस्तों। और इन्होंने मनोसामाजिक विकास पे अगर किसी चीज़ पे बल दिया है तो वह है हीनता, अर्थात एरिक एरिक्सन ने हीनता पर क्या किया है, बल दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, तो भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि भाषा विकास से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक हैं जिसका नाम है नोम चोम्स्की। जिसका नाम है नोम चोम्स्की दोस्तों। नोम चोम्स्की भाषा विकास सिद्धांत के जनक हैं और इन्होंने बताया कि हमारे जो मस्तिष्क में एक लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस यानी LED यानी भाषा संग्रहणक यंत्र लगा रहता है जिसके द्वारा हम भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो दोस्तों हम भाषा को अनुकरण करके भी सीख लेते हैं। भाषा का अनुकरण का सिद्धांत दोस्तों वही दोबारा लिख दिया गया है। दूसरा है परिपक्वता का सिद्धांत, तीसरा है रुचि या अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसी तरीके से पुनरावृत्ति का सिद्धांत और बहुत सारे विकास के सिद्धांत हैं। तो इन 3-4 को आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है चिंतन। देखिए यहाँ पर दोस्तों चिंतन की बात हो रही है। चिंतन को अंग्रेजी में थिंकिंग कहते हैं और थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। तो दोस्तों चिंतन का मतलब होता है सोचना और सोचते हैं हम मस्तिष्क थे। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे संज्ञानात्मक एक मानसिक प्रक्रिया है, सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है, स्मरण विस्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है, तर्क करना निर्णय लेना और कल्पना करना भी एक मानसिक प्रक्रिया है, वैसे ही चिंतन भी एक मानसिक प्रक्रिया है। और दोस्तों हम चिंतन तभी करते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या हो, अर्थात चिंतन आधारित होता है किस पे, समस्या पर। जब तक कोई समस्या नहीं रहेगा तब तक हम चिंतन नहीं करेंगे। जैसे इसमें जब तक इंक रहेगा चलता रहेगा हम कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन ज्यों इंक खत्म होगा त्यों हम चिंतन करना सोचना शुरू करेंगे कि इसमें हमको इंक डालना है, क्योंकि वह हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। तो चिंतन हमेशा आधारित होता है किस पे, समस्या पर। तो दोस्तों चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो यह रास महोदय ने कहा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगला चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कुछ विकास के सिद्धांतों को। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको पता रहना चाहिए कि निरंतरता का सिद्धांत एक विकास का सिद्धांत है, अर्थात विकास निरंतर जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक क्रिया है। अर्थात निरंतरता का नियम कहिए, चाहे सतत का नियम कहिए, चाहे लगातार का नियम कहिए, तीनों बात क्या है, सेम है। दूसरा है दोस्तों एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। तीसरा दोस्तों है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। विकास की असमान गति का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। विकास के समान क्रम का सिद्धांत भी विकास का क्रम है। विकास की समान दिशा का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। विकास के समान प्रतिदर्श या समान प्रारूप का सिद्धांत भी जो है विकास का सिद्धांत है। इसके अलावा पूर्वानुमान का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जाएंगे तो अनुत्क्रमणशीलता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। इसके अलावा वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। इसके अलावा सरल से कठिन या आप कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना भी एक विकास का सिद्धांत है। इस तरीके से दोस्तों इतने सारे आपको विकास के सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप जान जाएंगे कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक हैविघस्ट
है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक है भी घष्ट है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, देखिए 59 क्या कह रहा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत व्यक्तित्व से संबंधित है और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अब दोस्तों देखिए बंडूरा के लिए हमने आपको कहा था कि सचिन तेंदुलकर को आपको क्या करना है, याद रखना है। सचिन तेंदुलकर को कोई भी अपना आदर्श मानता है तो इनके पहले सिद्धांत का नाम है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। आदर्श को ही प्रतिमान या मॉडल भी कहते हैं, यार इसको प्रतिमान या मॉडल कहते हैं, तो दोस्तों या इसको प्रतिमान या मॉडल या प्रतिरूप कहते हैं, तो आप एक सिद्धांत का नाम इनके सुने होंगे प्रतिरूपण का सिद्धांत, या इसी को अंग्रेजी में मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं, जो 2018 के सुपर टेट में जो पहली बार सुपर टेट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों लोग सचिन को टीवी पर देखना पसंद करते हैं तो अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया है, सचिन ने दिया है। और सचिन को लोग अनुकरण करना चाहते हैं तो अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो सचिन। और सचिन एक सामाजिक व्यक्ति के हैं तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, प्रतिमान या मॉडल या प्रतिरूप का सिद्धांत, या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, या अनुकरण आधारित अधिगम का सिद्धांत, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सारे के सारे सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कार्य को आरंभ करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम प्रेरणा या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मार्गांतरीकरण के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में, या आप कह सकते हैं कि मार्गांतरीकरण के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में या संवेग में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रेरणा का या अभिप्रेरणा का संबंध है उपलब्धि से, या उपलब्धि की जगह आप उद्देश्य कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं। प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है और अधिगम का संबंध किससे है, तो बोध से है, और अनुक्रिया का संबंध किससे है, उद्दीपक से है। इन तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है दोस्तों। अगला है मैस्लो के जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिए हैं उसका नाम है आवश्यकता का सिद्धांत, या आवश्यकता को ही हम मांग कह सकते हैं, तो मांग का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों। अब्राहम मैस्लो ने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में इन्होंने पांच मांगें रखी, पांच आवश्यकताएं रखी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जैविकी मांग की आवश्यकता होती है। जैविकी मांग का मतलब होता है कि ऐसी मांग जिसके तहत जो है लोग अपना अस्तित्व बनाए रखें, जिंदा रहें। और जो पांचवा है उसे आत्मसिद्धिकरण का मांग कहते हैं दोस्तों। पहला और पांचवा आपको जरूर याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत जो है आवश्यकता है। दोस्तों अभिप्रेरणा के तीन पक्ष होते हैं, जिसमें पहला होता है आवश्यकता और दूसरा दोस्तों होता है अंतर्नोध और तीसरा होता है प्रोत्साहन। तो यहाँ पे पूछा है कि अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत क्या है, आवश्यकता। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी तभी आप मोटिवेट होकर उसके लिए कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कौशल सीखने की पहली अवस्था जो है अनुकरण। अनुकरण का मतलब है किसी की नकल करके हम किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो उसी को अनुकरण कहते हैं, और बच्चे का शुरुआती अधिगम आधारित होता है अनुकरण पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है। दोस्तों यह बुडवर्थ ने कहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।